Now we are starting chapter 42, Wonderful World of Oceans. So oceans में बच्चों बहुत तरह तरह की fishes और दूसरे animals भी होते हैं, तो चलिए उनके बारे में जानते हैं. Some fish have unique body structures and habits. कुछ fish की बहुत unique body structure होता है, शरीर की बनावट होती है और habits भी unique होती हैं. Given below are clues of some of them. और यहाँ पर उनके बारे में कुछ clues दिए हुए हैं. So you have to identify the fish. Number one, a fish that has poisonous glands in its razor-shaped spiny tails. आप ये देख रहे हैं, razor-shaped spiny tail, इसमें कुछ poisonous glands होते हैं और इस fish को कहते हैं sting ray. तो सेकेंड नंबर पर अ फ्रेश वाटर फिश, ये एक फ्रेश वाटर फिश है जिसके शार्प टीथ होते हैं एंड इज ओमनीवोरस. ओमनीवोरस मतलब ये पेड़ पौधे भी खाती है और दूसरे जंतु भी खाती हैं. सो ये इसका नाम है पिरान्हा. नंबर थ्री पर है अ फिश दैट कैन फिल इट्स इलास्टिक स्टमक, ये अपना इलास्टिक स्टमक भर सकती है वाटर से एंड इन्फ्लेट रैपिडली, और ये रैपिडली इन्फ्लेट कर सकती है, इसका नाम है पफर फिश. आगे चलते हैं. नंबर फोर, अ फिश दैट इज यूनिकली अडेप्टेड टू एन एम्फीबियन लाइफस्टाइल, एक फिश जिसने एम्फीबियन लाइफस्टाइल यूनिकली अडेप्ट किया हुआ है. एम्फीबियन मतलब कि वो पानी में भी रह सकती है और पानी के बाहर भी, एंड इज क्वाइट एक्टिव व्हेन आउट ऑफ वाटर, और ये बहुत एक्टिव होती है जब पानी से बाहर होती है. हैज़ द एबिलिटी टू ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन, और इसमें एबिलिटी है कि ये अपने स्किन से ब्रेथ ले सकती है, सांस ले सकती है, और इसका नाम है मड स्किपर. फिफ्थ नंबर पे देखेंगे अ फिश दैट हैज़ अ पेयर ऑफ स्पाइंस ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स टेल, इसकी टेल के दोनों तरफ पेयर ऑफ स्पाइंस होते हैं. ओके, ऑन ईदर साइड विच आर डेंजरसली शार्प लाइक अ सर्जन्स नाइफ, जो इतने शार्प होते हैं जैसे कि कोई सर्जन का नाइफ हो, और इसका नाम इसीलिए है सर्जन फिश. अ फिश दैट इज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल फिशेज फाउंड, ये फिश सारी फिशेज जितनी भी पाई जाती हैं उन सब में सबसे ज़्यादा प्रिटी है. इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द रीफ्स ऑफ द ओशियन, ये ओशियन की रीफ्स में पाई जाती है. मैंडेरिन फिश, इसे कहते हैं मैंडेरिन फिश. अ फिश दैट प्रोटेक्ट्स हर यंग वन, जो अपने बच्चों की रक्षा करती है उनको मुंह में पकड़ के रख के, एंड स्पिट्स देम आउट ओनली टू लेट देम फीड, और सिर्फ उन्हें छोड़ती है सिर्फ खाना खाने देने के लिए, इसका नाम है किचलट्स. ओके, सो बच्चों आपको इन सारी फिशेस के नेम्स लर्न करने हैं और इनकी क्या यूनिक बॉडी स्ट्रक्चर और हैबिट्स हैं इनको भी आपने लर्न करना है. इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू.